साल पहला एक जंगल सी जिथे सिर्फ जानवर रहिंदे सी अते कोई भी इंसान उथे कदे नहीं गया सी। भावे ओ सारे जानवर एक दूजे तो अलग सन पर सारी बड़ी शांति नाल रहिंदे सी। उन्हां सारियां दी अलग अलग खासियतां सन। मिसाल दे लई बंदर बहुत शरारती सी, चिपमंक शांत सी, शेर बहादुर सी, बारा सिंगा तेज सी, कछुआ हौली चलता सी, लोमड़ी गालदार सी, अते मधुमक्खी बहुत मेहनती सी। सिर्फ एक ही अजिहा सी जिदे नाल कोई भी जानवर खुश नहीं सी, ओ सी कां। कां नूं अपना खाना किसे नाल वंडना पसंद नहीं सी। कदी कदी तां ओ दूजे जानवरां दा खाना चोरी कर लैंदा ते उड़ जांदा। सारे जानवर इस स्वार्थी कां दे बारे च गल्लां कर रहे सी कि उन्हों एक सबक सिखाण दी लोड़ है। सब तो मजेदार अते सब तो बुद्धिमान होण दे नाते लोमड़ ने अपनी राय पेश की। ए सब तुसी मेरे ते छड़ दियो, मैं एहो जी चाल चलांगा कि ओ स्वार्थी कौआ कदे इस तो बाद कमंड नहीं कर सकेगा। एक दिन कां खाने दी तलाश विच शहर पहुंचिया अते उत्थों एक वड्डा जिहा पनीर दा टुकड़ा अपनी चुंझ विच लै के जंगल पहुंचिया ते एक पेड़ दी डाल ते आराम करन लगा। दूर तो उनु वेख के लोमड़ ने पनीर नू उदे मुंह तो बाहर कढ़न दी तरकीब सोची। लोमड़ जिथे कां बैठा सी उदे कोल आई। उस वेले कां पनीर चक रिया सी जो उन्हें पेड़ दी डाल ते रखिया सी। ए मेरे दोस्त, की खा रहा है? मैं अज तो पहला इस तरह दा कुछ नहीं वेख्या। हाँ, एनू पनीर कहंदे ने, ए मनुष्य खांदे ने। मैं इस दे स्वाद बारे उस तो खां कि तू मैनू खाण लई थोड़ा देवेगा? हाँ बिलकुल नहीं, कि तू जानदा भी है इस नू पाण लई मैनू किन्नी दूर उड़ के जाना पैंदा है। तां की होया, मैं भी तैनू एक दिन अपना खाना दवांगा, हिसाब बराबर हो जूगा। पर मैं तेरे गंदे भोजन की परवाह क्यों करा? ये पनीर बहुत खास है, ये आसानी नाल नहीं मिलता। अपना पूरा जोर लाण दे बावजूद लोमड़ कां नूं उदा खाना अपने नाल वंडन लई मना नहीं सकिया। लोमड़ चलाक सी पर कां भी उन्ना ही चलाक सी। इस बार लोमड़ ने एक होर योजना बनाई। ठीक है तू अपना पनीर खा, मैनू नहीं चाहिदा है। घट तो घट मैनू तेरे नेड़े आके इस पनीर नूं वेखण ता दे जो तू मेरे नाल वंडना नहीं चाहुंदा। जदों लोमड़ ने पेड़ ते चढ़ना शुरू किया तां कां ने डर के अपना पनीर चक्या ते दूजे पेड़ ते जा बैठा। इस बार लोमड़ दूजे पेड़ दे थल्ले गया जिथे कां सी, पर कां अपना खाना वंडना नहीं चाहता सी। लोमड़ ने थोड़ी देर सोचा ते एक होर योजना बनाई। इस कां दी खामियां की है? ओ स्वार्थी ते घमंडी है, शायद मैनू भोजन पाण दे लई इसे गल दा फायदा चुकना चाहिदा है। ए मेरे दोस्त, की तू जानदा है मैं इत्थे क्यों आया हाँ? मुंह तो पनीर ना डिग पवे इसलिए अपनी चुंझ खोले बिना ही उन्हें पुछा। मैं सुनया है कि पूरे जंगल च तेरी आवाज बहुत सुरीली है ते जदों तू गाना है ते सारे जंगल दे जानवर मंत्रमुग्ध हो जांदे ने। जद कां ने यह सुनिया ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਫਹਿਰਾਏ ਤੇ ਇਤਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਲੋਮੜ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ। ਆਖਰ ਖੁਦ ਤੇ ਇਤਰਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਰਥੀ ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਨੀਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੋਮੜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਕਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਓ ਤੇਰਾ ਪਨੀਰ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੋਮੜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਤੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚਤੁਰ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਲੋਮੜ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਗਹਿਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
कां ने कमांड ते स्वार्थी सुभा छड़ दिता। उन्हें सारे जानवरां दे नाल चंगे संबंध बनाए ते अपना खाना सब नाल वंडन लगा। कई साल पहला एक जंगल दे कोल एक पुराने छोटे जेहे घर विच एक जनानी आदमी रहा करदे सी। वो बड़े खुश ते शांतिपूर्ण जीवन जी रहे सी। बस कमी ए सी कि उना दी अपनी कोई औलाद नहीं सी। एक बार जब बुढ़ी जनानी रसोई विच बिस्कुटां दा आटा बना रही सी तां उहदा आदमी आया। भगवान आज तू की बना रही है? ओ जी मैं आज एक जिंजर ब्रेड आदमी पका रही हां। बुढ़ी औरत ने आटा गुन्या ते जिंजर ब्रेड आदमी दा आकार दे दिता। ओ इनु ओवन विच पाण दे बाद बह गई अते जिंजर ब्रेड आदमी दे चंगी तरह पकण दा इंतजार करन लगी। जदों जिंजर ब्रेड आदमी दे चंगी तरह पक जाण दी खुशबू पूरी रसोई विच फैल गई तां उन्हें अपने ओवन दे दस्ताने पाए ते जिंजर ब्रेड आदमी नूं बाहर कढ़िया। हुण वक्त सी उन्हूं सजाण दा। उन्हें कैंडी दी मदद नाल उहदी प्यारी जिही नक ते किशमिश ला के उहदियां अखां बणाईआं ते फिर क्रीम दे नाल उन्हें उहदे वाल ते कपड़े बणाए ते बटनां दी थां ते उन्हें चेरी दी वरतों कीती। अपनी बनाई हुई रचना नूं वेख के उह कहण लगी, मेरा जिंजर ब्रेड आदमी किन्ना सोहणा वेख रिहा, पर मैनूं लगदा हाले वी कुछ कमी है। बुढ़ी औरत ने उहदे वल दुबारा वेख्या ते ओह हाँ, इहदा मूंह बनाउणा ते मैं भुल ही गई। उन्हें क्रीम दी वरतों करके जिंजर ब्रेड दे चेहरे ते मूंह बनाया। हाँ, हुण मेरा जिंजर ब्रेड पूरा हो गया। उसे पल कुछ अजीब घटना घटी। धन्यवाद। पर यह किवें हो सकता है? तू गल कर सकता है? जिंजर ब्रेड आदमी अचानक खड़ा हो गया ते उन्हें भजना शुरू कर दिता। हाँ जी, मैं दौड़ भी सकता हाँ। जिंजर ब्रेड आदमी रसोई घर दी बेंच तो कुर्सी ते ते फिर जमीन ते कूद गया अते फिर बगीचे वालों दरवाजे वाल तेज दौड़न लगा। वापस आ जा, वापस आ जा। बुढ़ी जनानी आवाजा मारन लगी। जिंजर ब्रेड गल करते हुए दौड़ रहा सी। दौड़ो, तुसी जिन्ना दौड़ सकते हो दौड़ो, मैनू कोई नहीं फड़ सकता क्योंकि मैं हाँ जिंजर ब्रेड आदमी। बुढ़ी जनानी बगीचे विच गई ते जिंजर ब्रेड दे पिछे भजन लगी। बुढ़े आदमी ने अपनी जनानी नू बारी तो दौड़ते हुए वेख्या ता चिल्लाया, नहीं तू क्यों भज रही है? बुढ़ी जनानी ने भजते हुए अपने घर वाले नू जवाब दिता, मेरा जिंजर ब्रेड आदमी भज गया, मैं उन्हें पकड़न की कोशिश कर रही हूँ। बुढ़ा आदमी कुछ बोल नहीं पा रहा सी। बुढ़ी जनानी दौड़ रही सी पर जिंजर ब्रेड आदमी इन्ना तेज दौड़ रहा सी कि उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल सी। कुछ देर बाद जिंजर ब्रेड आदमी एक खेत विच पहुंचा। उन्हें एक चरदी हुई गां वेखी। हाँ, किन्ना चंगा बिस्कुट है, मैनू उन्हें फड़ के खाना चाहिए। गां ने भी जिंजर ब्रेड दे पिछे भजना शुरू किया। रुक, भजना, मैं तेनू नहीं खावांगी। भजो, होर तेज भजो, ओ बुढ़ी जनानी भी मैनू फड़न दी कोशिश कर रही है पर मैनू कोई नहीं फड़ सकता क्योंकि मैं हां जिंजर ब्रेड आदमी। बुढ़ी औरत ते ओ गां जिंजर ब्रेड आदमी दे पिछे भज रहे सी अते इस बार एक सुअर ने जिंजर ब्रेड आदमी नू वेख्या। जिंजर ब्रेड आदमी, मेरे मुंह च पानी आ गया, खड़ जा, मैं भी तैनू फड़ांगा। जिंजर ब्रेड आदमी ने दौड़ते हुए सुअर नू जवाब दिता, ये भजो जिन्ना तेज भज सकदे हो, ओ बुढ़ी औरत ते ओ गां भी मैनू फड़न दी कोशिश कर रही है पर मैनू कोई नहीं फड़ सकदा क्योंकि मैं हां जिंजर ब्रेड आदमी। जदों ओह दौड़ रहे सी जिंजर ब्रेड आदमी अगे अते उदे पिछे बुढ़ी जनानी गां ते सुअर दौड़ रहे सी। उसे वेले एक मुर्गी जो खाना लभ रही सी उन्हें जिंजर ब्रेड आदमी नू वेख्या। ओए वाह, ये ता मेरा दोपहर दा खाना है। मुर्गी भी उन्हां दे पिछे दौड़न लगी। तू जिन्ना तेज भज सकदा है भज जिंजर ब्रेड आदमी, मैं तेनू पकड़ लवांगी। तू जिन्ना तेज भज सकदा है भज ले, बुढ़ी जनानी गां ते सुअर भी मैनू नहीं फड़ सकदा, तू भी मैनू नहीं फड़ सकेगा कोई भी नहीं क्योंकि मैं हां जिंजर ब्रेड आदमी। सब तो अगे जिंजर ब्रेड आदमी, उदे पिछे बुढ़ी जनानी गां सुअर अते मुर्गी दौड़ रहे सी। सारे दौड़ रहे सी पर जिंजर ब्रेड आदमी सब तो तेज दौड़ रहा सी।
जिंजर ब्रेड आदमी बहुत खुश सी अते उनो खुद ते कमांड हो रिया सी। मैं दुनिया में सब तो तेज अते गतिमान जिंजर ब्रेड आदमी हाँ, जी हाँ मैं ही हाँ, मैनू कोई नहीं फड़ सकता क्योंकि मैं हाँ जिंजर ब्रेड आदमी। जदो जिंजर ब्रेड आदमी ने अगे वेख्या ता सामने एक नदी सी अते ओ रुक गया क्योंकि ओ जानदा सी कि पानी उसनु पिघला सकदा सी। ओहो हुण की करां मैं। बुड्ढी जनानी गां सूअर अते मुर्गी नजदीक आ गए सी। उसे वेले पेड़ दे पिछों दी एक चलाक लोमड़ अगे आया। मैनू तैरना आंदा है, तू चाहे तो मैं तेरी मदद कर सकदा। जिंजर ब्रेड आदमी ने एदे बारे विच सोचा। जे तू मैनू खा लिया ता? तू चिंता ना कर, मैं तेनू नहीं खावांगा, बस तेनू नदी पार करान च मदद करांगा। जिंजर ब्रेड आदमी ने चलाक लोमड़ ते भरोसा कीता अते ओदी पुछ ते बह गया। जिन्ना हो सकिया उने उनू कस के फड़ लिया। लोमड़ नदी विच कुद गया ते तैरन लगा। हुण तक बुढ़ी जनानी गां सूअर ते मुर्गी भी नदी किनारे पहुंच गए सी। उन्हां ने वेख्या कि जिंजर ब्रेड आदमी लोमड़ दे उत्ते बैठा पार जा रहा है। ਉਹ ਬੇਬਸ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਮੜੀ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਉੱਤੇ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜਿੰਜਰ ਬ੍ਰੈਡ ਆਦਮੀ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸਰਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੈਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਲੋਮੜ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਤੂੰ ਗਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜਿੰਜਰ ਬ੍ਰੈਡ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਲੋਮੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਜਰ ਬ੍ਰੈਡ ਆਦਮੀ ਲੋਮੜ ਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਲੋਮੜ ਨੇ ਜਿੰਜਰ ਬ੍ਰੈਡ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨੱਕ ਤੋਂ ਉਛਾਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ। ਜਿੰਜਰ ਬ੍ਰੈਡ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਮੜ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਦ ਜਿੰਜਰ ਬ੍ਰੈਡ ਆਦਮੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਕਾਂ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਜਰ ਬ੍ਰੈਡ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿੰਜਰ ਬ੍ਰੈਡ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਉੱਡਣ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਾਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਖੋਲੀ ਜਿੰਜਰ ਬ੍ਰੈਡ ਆਦਮੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇਜ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ। ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭੱਜ ਲੈ, ਬੁੜੀ ਜਨਾਨੀ ਗਾਂ ਸੂਅਰ ਮੁਰਗਾ ਤੇ ਲੋਮੜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਿੰਜਰ ਬ੍ਰੈਡ ਆਦਮੀ। ਜਿੰਜਰ ਬ੍ਰੈਡ ਆਦਮੀ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਦੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਿੰਜਰ ਬ੍ਰੈਡ ਆਦਮੀ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਜਰ ਬ੍ਰੈਡ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।